भाजपा को 10 साल दिए हैं, खुश हैं भाजपा के विकास से? क्या क्या समस्याएं इस गांव में अब तक है? हमारे मोहल्ले में बिल्कुल कूड़ा है और ये बिल्कुल 20-25 साल हो गए हैं, इसकी कोई मतलब सुनवाई नहीं है। 20-25 सालों से ऐसे ही रह रहे हैं, ऐसे ही रहता है। क्या रसूलपुर में अभी तक विकास हुआ है भाजपा के राज में? विकास तो हुआ है जी, लेकिन ये गंदगी ज्यादा है हमारे गांव में। सब ते गंदा रसूलपुर हो रहा है, हम कैसे चारों माई का लिख रहे। अरे भाई, हमारे तो अभी तक 4 साल हो गए, फैमिली आईडी सही ना हुई है। क्या परेशानी आती है? परेशानी एक ना राशन कार्ड मिलो, चार बंदे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। देखिए, पूरे हरियाणा में इस समय विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और चारों तरफ हर प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने में लगा हुआ है। विधानसभा चुनाव कब होंगे उनकी तारीखों का भी ऐलान हो गया और इस समय हम मौजूद हैं पलवल विधानसभा क्षेत्र के रसूलपुर गांव में। देखिए, 10 साल भाजपा को लोगों ने दिए हैं और किस तरह का विकास हुआ है वे मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं। यहां के स्थानीय लोगों से ही बातचीत करेंगे, क्या क्या इस बार भी लोकसभा चुनावों के जाने के बाद विधानसभा चुनावों में लोगों का क्या मूड है इस बार, क्योंकि किस तरह से धरातल पर विकास हुआ है इसकी बहुत अहम भूमिका होती है और चुनाव चाहे कैसे भी हो जनता एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाती है। यहीं के लोगों से बातचीत कर लेते हैं, कितना विकास यहाँ अब तक हुआ है और इस बार इन लोगों के मन में क्या है। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। भाजपा को 10 साल दिए हैं? बिल्कुल, 10 साल वोट दिए जी। खुश हैं भाजपा के विकास से? वैसे तो 10 साल वोट दिए हैं, पर विकास अभी रसूलपुर गाँव में इतना हुआ नहीं है, मतलब बहुत कम हुआ है। क्या क्या समस्याएं इस गांव में अब तक है? समस्या ये है कि ये रोड है बिल्कुल टूटा हुआ है, अब बरसात होती तो पानी भरा रहता है और यहाँ पे हमारे मोहल्ले में बिल्कुल कूड़ा है और ये बिल्कुल 20-25 साल हो गए, इसकी कोई मतलब सुनवाई नहीं है। 20-25 सालों से ऐसे ही रह रहे हैं? ऐसे ही रहता है। और ये आगे एक नाला है, वो बिल्कुल अटा हुआ है और वो कागज में पक्का दिखा रखा है लेकिन वो पक्का नहीं है, बिल्कुल गंदगी है, मतलब निकलना बेकार है। पोखर के पास इतना बुरा हाल है। मूलभूत सुविधाओं को लेकर हर बार चुनावों में बताया जाता है कि हम ये करवाएंगे, हर दावेदार बोलता है, कुछ हुआ है यहाँ ऐसा? हुआ थोड़ा बहुत, तो मतलब कंजरे वंजरे थोड़े बहुत बने हैं, लाइट वाइट भी लगी है अभी फिलहाल, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो मतलब यही है कि अभी बहुत काम रुक रहा है। देखिए, यहाँ के जो मौजूदा विधायक है उनके काम से कितना खुश है आप? लगभग यही है कि थोड़ा बहुत ही खुश है, नहीं इतने खुश नहीं है गाँव के लोग अभी, बहुत मतलब इतनी गंदगी है, इतने मतलब अभी रोड मतलब बरसात हो जाए इतना परेशान रहते हैं, सही परेशान रहते हैं। क्या पानी भर जाता है? हाँ, पानी भर जाता है पूरे रोड पे, फिर निकलने में बहुत परेशानी होती है। इस बार दोबारा अब विधानसभा चुनाव होंगे, भाजपा को इस बार लाने का मन है? देखो जी, अगर काम बढ़िया होगा तो सभी भाजपा को लाएंगे, अगर काम ही नहीं होगा, विकास नहीं होगा तो बता कौन लाएगा। क्या मतलब कहना है कि इस बार कैंडिडेट अगर भाजपा बदल दे तो कहीं कुछ बदलाव? हाँ, बदलाव तो होगा ही होगा, तो कैंडिडेट बदल जाता है, बहुत बड़ा रोल निभाया जाता है। बहुत बड़ा फैसला की तरफ से भी दावेदार आ रहे हैं, क्या लग रहा है सबसे मजबूत दावेदार कौन हो सकता है? देखो जी, अभी कुछ कह नहीं सकते कौन दावेदार मजबूत हो सकता है, लेकिन ये फैसला है, जिस अगर फैसला जिसके मुंह पलट जाता है उसी की जीत हो जाती है। कोई चेहरा ऐसा मन में है, क्योंकि अब देख रहे जगह जगह लोगों के होर्डिंग्स लगे हुए हैं, लोग सामने आ रहे हैं कि हाँ ये भी टिकट के दावेदार है, कोई मन में है कि हाँ इसको टिकट मिल जाए तो जरूर विकास हो जाएगा? देखो जी, हमारे गाँव में हमारे एरिया में फिलहाल तो ये गौतम गंभीर है और एक ये है क्या नाम है दूसरा फैसला का ही है, मतलब जो दावेदारी पे कर रहे हैं। अभी देखो समय की बात है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी बाद नहीं पता चलेगा इस चीज़ का। तो आप इस बार किसकी पार्टी की तरफ रहेगा? देखो जी, अगर सेंटर में तो वही है मोदी जी, तो झुकाव इसे बीजेपी की तरफ ही रहेगा जब तक लोगों का। देखिए, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं। आप एक महिला हैं, यहाँ से रोज आती जाती हैं, सड़कों का क्या हाल है यहाँ? भाई, सड़कों का कुछ हाल ना, गंदगी है, 24 घंटा लिख रहे ना, चलते फिरते आदमी रोज गिरे हैं, हमें कोई साफ सफाई ना है, सब ते गंदा रसूलपुर हो रहा है, हम कैसे चारों माई का लिख रहे। महिलाओं को लेकर कुछ विकास हुआ है या कुछ स्कूल, लड़कियों को लेकर कॉलेज कुछ है या आसपास? कॉलेज नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं। कहाँ जाती है लड़कियाँ? बाहर जावे, पलवल जावे, बड़ौली जावे। क्या विकास की नजरों से देख रही है कि इस बार अगर सरकार दोबारा बनी, वोट तो सभी देने जाते हैं, वोट देने जाते हैं जी, या प्रकार या समय बदल दे तो अच्छा ही अच्छा हमारे लिए। देखिए, कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं आखिर उनको क्या क्या समस्याएं यहाँ की लगती है। अरे भाई, हमारे तो अभी तक 4 साल हो गए, फैमिली आईडी सही ना हुई है। क्या परेशानी आती है? परेशानी एक ना राशन कार्ड मिलो, चार बंदे हम। क्यों नहीं बनवा रहे जी? बनवाने को 4 साल तक भगे डोले कोर्ट में, अभी तक
फैमिली आईडी सही ना करने में क्या बोल देते हैं जब जाते हैं वहाँ तो उनको हो जाएगी चार साल थे अभी तक कोई सुनाई ना हुई। आप यहीं के निवासी हैं? यहीं के रसूलपुर के निवासी हूँ। क्या क्या समस्याएं इस गांव की? समस्या तो वैसे और तो सही है पर हम तो अपनी बातें तो की है ना। नाली दिखा दो ना। बाकी सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे? हाँ, हर नाली वाली है सब गंदगी तो भरी पड़ी है, कोई साफ सफाई ना है, गंदगी का ज्यादा अंबार है। हाँ, गंदगी को ज्यादा है। देखिए यार, तमाम लोग इस समय हमारे साथ हैं और जो लोग हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो गंदगी है वो काफी ज्यादा है। क्या रसूलपुर में अभी तक विकास हुआ है भाजपा के राज में? विकास तो हुआ है जी, लेकिन ये गंदगी ज्यादा है हमारे गांव में। और क्या क्या समस्या है? और तो कोई ऐसी खास समस्या नहीं है। तो अगर आपको कोई ऐसा मजबूत चेहरा लग रहा है कि अगर वो आ गया तो जरूर हो सकता है? देखो जी, मंगला जी बढ़िया कर रहे हैं, पानी भरा हुआ है, नालियां सफा नहीं हुई है, गंदगी सड़कों पे पानी फैला रहता है। तमाम तरह की चर्चा की और जाना कि किस तरह यहाँ के अभी हालात बने हुए हैं। लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ गंदगी का जो अंबार लगा हुआ है। कहा जा सकता है कि पलवल विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जो आज भी पिछड़े हुए हैं, जिनमें विकास अभी भी नहीं हुआ। इसी तरह की कुछ खास खबरों के साथ फिर जुड़ेंगे आपको। जब तक ले देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।